नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। मध्य प्रदेश में एक और कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण काल के बीच पड़ोसियों के विवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। इंदौर के विजयनगर और पलासिया इलाके से ऐसे मामले सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। एक इलाके में जहां महिला के थूकने पर इलाके के रहने वाले युवक द्वारा उन पर सब्बल से हमला करने का आरोप लगाया गया है, तो वहीं दूसरे मामले में इलाके में घूमते समय पड़ोसी द्वारा नाबालिग पर कुत्ता दौड़ाने की शिकायत दर्ज की गई है। दोनों ही मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले को जांच के लिए ले लिया है। पहले मामले में विजयनगर पुलिस ने स्वाति निवासी अंजनी नगर की शिकायत पर पड़ोसी दिलीप के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो अपने लड़के को आवाज दे रही थी, अचानक थूक आने के कारण उसने रास्ते में थूक दिया, तभी वहां से गुजर रहे पड़ोसी दिलीप को ये बात नागवार गुजरी और उसने महिला को कहा कि तू मुझे देखकर थूक रही है। इसके बाद महिला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और अपशब्द बकने लगा और गालियां देने लगा महिला को, और विवाद इतना बढ़ गया कि उसने महिला पर मुक्के बसा दिए। इतना ही नहीं, वो इतने गुस्से में था कि उसने घर से सब्बल लाकर महिला पर हमला कर दिया और सब्बल महिला की जांग पर जा लगा। दूसरा मामला, पलासिया पुलिस ने बड़ी ग्वाल टोली में रहने वाले नाबालिग प्रिंस की शिकायत पर कुत्ता मालिक सुभाष की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो इलाके में घूम रहा था, तभी सुभाष अंकल की पत्नी ने अपने पालतू कुत्ते को छू कर दिया, जिसके बाद कुत्ता दौड़कर आया और पैर की पेडली के पास काट लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। फिलहाल दोनों मामलों को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। साथ ही ये संदेश भी दिए हैं कि संकट के ऐसे समय में आपसी मतभेद बढ़ाने के बजाय एक साथ रहकर एक दूसरे के काम आने की जरूरत है। इस खबर फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहे वीकी न्यूज़ MP। धन्यवाद।